जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, 6 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम इनवरेक्स नाइट्रॉक्स के साथ हमने लाला मूसा सिटी में इंस्टॉल किया है, जिसमें किया हमने कुछ ऐसे है कि वहाँ पर सिस्टम पहले से लगा हुआ था, 19 प्लेट्स 540 वाट कैनेडियन की, और उसके साथ गुडवी का इन्वर्टर लगा था ऑन ग्रिड। वो उन्होंने लगवाया था किसी और कंपनी से, तो उन्होंने ऑन ग्रिड के हिसाब से कंपनियाँ कुछ ऐसे करती हैं कि सिस्टम बेचने के लिए उन्हें सही से गाइड नहीं करती क्लाइंट को, तो उन्होंने ऑन ग्रिड लगा दिया था। तो उनकी कंप्लेन ये थी कि जब जैसे ही बिजली जाती है यानी वापडा ऑफ होता है, तो उनका इन्वर्टर भी जो है वो भी बंद हो जाता है। लेकिन वो चाह रहे थे कि इन्वर्टर चाहे हमारा कंडीशन चाहे वापडा की ऑफ हो या ऑन हो, हमारा जो सिस्टम है वो चलता रहना चाहिए। तो इसलिए फिर उन्होंने हमसे रब्ता किया और हमने उनको हाइब्रिड सिस्टम एक इनवरक्स नाइट्रॉक्स का देकर उनने जो है वो हाइब्रिड सिस्टम पे शिफ्ट करके दिया। उसमें हम लोगों ने किया क्या कि इन्वरक्स नाइट्रॉक्स 6 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम हमने इन्वर्टर एक इंस्टॉल किया वहाँ पर। उसके अलावा हमने एक अलहदा से उनकी जो दो स्टिंग्स बनी हुई थी, एक स्टिंग को कट ऑफ किया 9 प्लेट्स की, क्योंकि वहाँ पर दो स्टिंग्स बनी हुई थी, एक 10 की और एक 9 की, तो हमने 9 वाली स्टिंग को कट ऑफ करके अपने इन्वर्टर को दी। और उसके अलावा हमने जो एसी में इनकी प्रोटेक्शंस में वीपीडी लगाया, ब्रेकर्स लगाए, डीसी के ब्रेकर्स लगाए, अर्थिंग की, तो वो कंप्लीट कनेक्शंस वगैरह करके हम लोगों ने उसमें किया। सबसे पहले जब हमने एसी के कनेक्शंस करना स्टार्ट किए हैं, तो उसके लिए हमने इन्वर्टर से वायरिंग करना स्टार्ट की, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। प्रॉपर एक मैनेजमेंट के साथ हमने उसकी डक्टिंग की है, अंडरग्राउंड वायरिंग लाए हैं, पाइपिंग यूज़ की है, ताकि जो हमारा क्लाइंट है वो हमसे इम्प्रेस हो सके और उसका काम जो है वो अच्छे से अच्छा हो सके, और मुकम्मल तौर पर उनको काम करके दिया जाए। ऐसा इसमें एक प्रॉब्लम और थी कि जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन थी वो ठीक से नहीं हुई थी, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर से अलहदा थी और नीचे से अलहदा थी। फिर हमने जो हमारे इलेक्ट्रिशियंस हैं वो काफ़ी ही अच्छे काबिल इलेक्ट्रिशियंस हैं हमारे पास और बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं, जिस तरह के मैं खुद भी हूँ, तो हम लोगों ने क्या किया कि उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशंस है उसको फिर से मैनेज किया दोबारा से। हमारा जो दो, क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमारा हाइब्रिड इन्वर्टर है इनवरक्स नाइट्रॉक्स का, इसमें ये ड्यूल आउटपुट होता है, तो इसमें हैवी लोड के लिए अलहदा कर दी और लो लोड के लिए हमने अलहदा कर दिया। फिर जो लो लोड था उसके ऊपर हमने जो उनका UPS के कनेक्शन हुए थे उसके ऊपर हमने लो लोड लगा दिया, और उनके जो 3 AC लगे हुए थे उसके ऊपर हमने हाई लोड लगा दिया। इस तरीके से उनको जो हमारी इनपुट लगाने के बाद जो उनको एक दिन के यूनिट्स मिले वो 16 यूनिट्स थे जो उनके पर डे बने। और उसके अलावा यानी कि जितना भी क्लाइंट है जो हमारा वहाँ पर क्लाइंट था लाला मूसा में, वो बहुत ही हमसे खुश हुए। और आइए उनसे भी जानते हैं कि उनको हमारा यहाँ पर सिस्टम लगाना किस तरीके से लगा। ये जी, हमने स्मार्ट सन सोलर पावर वाले जो हैं उनसे हमने हाइब्रिड सिस्टम लगवाया है 6 किलोवाट का, बेहतरीन। सबसे पहले तो मैं इनकी ये मैं इस बात की तारीफ़ करूंगा कि जो इंजीनियर अली रज़ा साहब हैं ये आए हैं और इन्होंने दिन 12 बजे ही काम स्टार्ट किया है। अभी एक ही दिन में इन्होंने, मैं तो सोच रहा था 2-3 दिन का ये काम होगा, लेकिन माशाल्लाह इन्होंने एक ही दिन में बड़ी मेहनत के साथ, जान फिशानी के साथ, भरपूर कमिटमेंट के साथ इन्होंने सारा दिन लगा के काम किया है, बेहतरीन काम किया है। इंशाल्लाह हमारा ये सिस्टम भी अच्छा चलेगा। मैं सेटिस्फाइड हूँ इनकी सर्विस से भी, इनके काम से भी। मैं आप लोगों को भी, जो भी अपने बिजली बचाना चाहता है, पैसे बचाना चाहता है और एक लॉन्ग टर्म उसमें चलना चाहता है, तो इनसे रब्ता करें, इंजीनियर साहब से, अली रज़ा भाई से रब्ता करें। बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं और आप ज़रूर एक दफ़ा इनको ट्राई करेंगे। और उसके बाद मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर इस्लामाबाद या पूरे पाकिस्तान में से कहीं पर भी आप हमसे सिस्टम लगवाना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया हुआ है और सामने स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है, इंजीनियर अली रज़ा HOD फ्रॉम स्मार्ट सन पावर, और आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी क्यूरी और अपने जो भी सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और मज़ीद जो है वो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मज़ीद टेक्निकल वीडियोस जो हैं वो आप इसे देख सकें और इसे कुछ सीख सकें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।